नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो पूरी वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पर बेस है और ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, माफ़ कर दीजिए, लेकिन इसमें मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि शुरुआत से हम शुरुआत करते हैं कि पहली चीज़ ये है कि मोक्ष किसे कहते हैं या फिर मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ कोई बड़ा तो नहीं है, मोक्ष मतलब मुक्त, इन सारी चीज़ों से मुक्त। तो जो इंसान इन सारी चीज़ों से मुक्त होता है, जिसकी आत्मा मुक्त होती है, तो उसको वो मोक्ष में चला गया ऐसा कहा जाता है। एक उदाहरण देता हूँ कि समझो कोई इंसान है, उसकी नौकरी लगी कोई सरकारी नौकरी और उसने बहुत ही अच्छे से अपना काम किया, या फिर उसके सामने कोई चुनौतियाँ आई और उसने बहुत ही अच्छे से काम किया और एक दिन वो रिटायर हो गया। तो रिटायर होने के बाद जो भी उसने काम वगैरह किए या फिर उसने जो ज़िंदगी जी, उससे वो छूट गया है, उससे वो मुक्त हो गया है, तो उसे मोक्ष कहा जाएगा। मतलब आत्मा ऐसी ही एक ज़िंदगी होती है, उसकी शुरू होती है, उसके बाद वो पृथ्वी पर वगैरह आती है और एक दिन ऐसा आता है कि उसने अपना सारा काम सफलतापूर्वक कर दिया है, तो अब उसको छुटकारा इन सारी चीज़ों से मिल जाएगा, तो उसे ही मोक्ष कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें जैसे वयोमानों प्रमाणे होते, मतलब वयोमानानुसार होती है, मतलब उसका एज होने के बाद एक 58 या फिर 60 में वो रिटायर हो जाता है, वैसा आत्मलोक में नहीं होता। आत्मलोक में हमें इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है और वो जिस तरह से आत्मा अगर आगे बढ़ेगी उस तरह से वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से वो इन सारी चीज़ों से छूट जाएगी। तो इसके बाद इसका सवाल आता है कि मोक्ष क्यों ज़रूरी है या फिर मोक्ष क्यों बनाया गया है या फिर वो किस तरह से बनाया गया है, तो उसका जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर आत्मा के निर्माण की बात की जाए तो सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर एक महाशक्ति ने इसका निर्माण किया है, और अगर महाशक्ति के विचार से देखा जाए तो उसका कहना यही है या फिर उसका उद्देश्य यह है आत्मा को निर्माण करने का, कि आत्मा इन सारी चीज़ों को समझ जाए, मतलब जो दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो सीखने के लायक है, दयालुता या फिर इन सारी चीज़ों का सामना करना, दुख का सामना करना या फिर धैर्य का, इन सारी चीज़ों का सामना करके आप अपना विकास कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसने आत्मा के हाथ में ही दी है, तो उसका कहना यही है कि आप इन सारी चीज़ों को समझो या फिर इन सारी चीज़ों से अपना मार्ग खुद बनाओ और ऐसे चलो जिससे आपका विकास होगा और इन सारी चीज़ों से आप एक एक स्तर ऊपर जाओगे। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को लोक में वर्गीकरण उसका किया है, इसके लिए 7 लोक रखे हैं। आत्मा के जो जन्म है उसमें वो 4th लोक में होती है। पहला जो लोक है वो बहुत ही बुरे लोगों का है, जो लोग बहुत ही बुरा कर्म करते हैं वो लोग ऐसे लोक में होते हैं। दूसरा भी लोक बहुत ही बुरे लोगों का ही है, लेकिन ये थोड़े से बुरे में से थोड़े से अच्छे बुरे। तीसरा जो लोक है वो भी बुरे लोगों का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा सुधार की स्थिति में है ऐसे लोग। चौथा लोक में आत्मा का जो शुरुआत होती है, पहले जो जन्म होते हैं वो उसमें वो 4th लोक में ही होती है। उसमें वो अगर उसने अच्छा किया तो वो थोड़ा आगे जाएगी और अगर कुछ बुरा किया तो वो ऐसे तीसरे वगैरह या फिर दूसरे लोक में जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा को कुछ सारे इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसको इन सारी चीज़ों का चयन करना होगा और वो इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो महत्वपूर्ण यही है कि वो कैसे कर्म करती है। अगर 4th लोक की आत्मा के जन्म हुआ और उसने अच्छे कर्म किए तो वो 5वें लोक में जाएगी। 5वां लोक बहुत ही, इसे हम स्वर्ग की शुरुआत कह सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। 4th लोक के बारे में अगर बात करें तो उसमें दिन भी है और रात भी है। पहले जो 3 लोक उसमें एक भी कण नहीं है सूरज का, उसमें सिर्फ रात है। 6ठा जो लोक है उसमें भी बहुत ही सुंदर वो लोक है, स्वर्ग ही है वो, और उसमें बहुत ही पवित्र आत्माएं रहती है। 4थे 5वें 6ठे और 7वें लोक में सब एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार से ही रहते हैं, उसमें एक दूसरे के साथ कोई भी धोखाबाजी वगैरह नहीं करता। लेकिन 4थे लोक की अगर बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत स्वार्थ वगैरह, आत्माएं थोड़ी स्वार्थी वगैरह दिखाई गई है, लेकिन 5वें 6ठे और 7वें लोक में अच्छा ही है। वहाँ पर दुख का लवलेश मात्र ज़रा भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ों में वो जो बड़ी आत्माएं होती है वो कितने अच्छे से वहाँ पर रहती होंगी। तो अगर कोई इंसान ने बुरे कर्म नहीं किए, हम जैसे मतलब कोई अगर अपनी एक ज़िंदगी आम से जी रहे, तो ऐसे लोक में वो हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमने जो कर्म किए वो हमें नहीं पता होते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम दुनिया में कुछ अच्छा करके जाए तो हम आशा कर सकते हैं कि हम थोड़े से उच्च लोक में होंगे, लेकिन पृथ्वी पर हमें ये पता चलना बहुत ही मुश्किल है कि हम कौन से लोक में हैं। तो उस महाशक्ति का यही कहना है कि आप इस तरह से आगे आगे बढ़ोगे। और मोक्ष किसे कहा जाता है, तो इसका मैं आगे पूरी तरह से आपको वर्णन करके कहूँगा और जितना इन सारी चीज़ों से मैं कह सकता उतना कहूँगा। और जब आत्मा लोक में, अब आप कह सकते हैं कि 7वें लोक के क्या बात क्या होगा, तो 7वें लोक के बाद वो इन सारी चीज़ों से छूट जाती है आत्मा। 7वें लोक के बाद विस्पर तो हमसे ये कहते हैं कि एक नया आयाम शुरू होता है, मतलब वहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है, जो बहुत ही अच्छे बड़ी आत्माओं की, उच्च आत्माओं की दुनिया होगी, वहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सीखने का जो तरीका है या फिर सीखने की जो चीज़ है वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, लेकिन वो उनके लेवल की चीज़ें सीख रहे होंगे।
तो इसके बाद एक चुनौतियाँ डाली गई है, एक बहुत ही बड़ी चुनौती है मुझे लगता है ये। लेकिन अगर देखा जाए तो विस्पे और ऋतु के अनुसार ये हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन हमारे लिए, मुझे खुद के अगर आपसे आप पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि ये आत्मा के लिए थोड़ी सी बुरी है। क्या है ये कि विस्पी और तुमसे ये कहते हैं कि कोई आत्मा चौथे चरण में जब जाएगी, चौथे लोक में, और स्तर पाँच में जाएगी, चौथे लोक, एक लोक में तकरीबन 10 स्तर है, मतलब पाँचवीं कक्षा में जैसी 10 डिवीजन होती है वैसे ये सारी चीज़ें हैं। एक एक डिवीजन पार करके, उन स्तरों को पार करके हम एक एक लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाँचवा एक ही लोक है, उसमें भी 10 स्तर होते हैं। ये चीज़ें आप आँखों के सामने ऐसे नहीं ला सकते क्योंकि ये समर्पक रीति से कही गई है, ये वैसे ही हमारे आँखों के सामने एक क्लास बैठा है वगैरह ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी के लोगों को नहीं समझ में आएगी, इसलिए हमें जैसे समझ में आएगी वैसे ये कही गई है, तो इसे आप समझना होगा। तो इसके बाद आता है पॉइंट कि वो चुनौती क्या है। तो उन्होंने ये चुनौती रखी है कि जब हमारी आत्मा लोक चार में और उसमें स्तर पाँच में जाएगी, तब सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर वो जो महाशक्ति है वो हमारे आत्मा के दो हिस्से कर देते हैं। मतलब हम एक ही आत्मा है लेकिन अब दो इंसान अलग अलग बन गए हैं, दो अलग आत्मा, अलग अलग आत्माएं बन गई है। उसमें क्या होगा कि उन दोनों को अब अलग अलग जन्म लेकर अलग अलग तरीके से वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं वैसे वो आगे बढ़ेंगे और उस तरह से उसका विकास होगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि एक आत्मा समझो सातवें लोक तक गई है और दूसरी अभी भी पाँचवें में भी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में दूसरी जो आत्मा होती है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाएँ या फिर विनती करनी होती है सर्वशक्तिमान ईश्वर से कि उसे मार्गदर्शन करे और उसे भी उसके लोक में लाया जाए। क्योंकि अगर इन अपेक्षित यही होता है कि वो एक साथ ही आगे बढ़े, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जैसे अगर 10 लोगों को हम एक ही ज्ञान दे तो वो इस एक ही तरीके से उसे ग्रहण करेंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है। वो अलग अलग तरीके से ग्रहण करेंगे और अपने अपनी इच्छानुसार और अपने अपने चयन अनुसार वो आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो एक ही साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि 400 500 1000 साल भी एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए वहाँ पर वेट करती है, उसका इंतज़ार करती है। जब सातवें लोक में वो आत्मा दोनों चली जाएंगी और सातवें लोक में स्तर 9 उनका जब पार होगा, मतलब अब सातवां लोक तकरीबन उनका ख़त्म होने को आया है, तब उन दोनों आत्माओं को फिर से एक किया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें ऐसी घटित होती है और ये पूरी तरह से सच है। तो इसके बाद क्या होता है, वो फिर से एक हो जाएंगी और वो सातवें के बाद उस नए आयाम में पहुँच जाएंगी। तो ऐसी ये सारी चीज़ें कही गई है, या फिर मैं इसको तो चुनौतियाँ ही कहूँगा। सारी चीज़ें सीखकर आत्मा को आगे जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ने के लिए उनको ये बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि अपने भूतकाल में ना उलझे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ भूतकाल में ना उलझे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि समझो किसी ने, कोई अच्छा इंसान है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ, उसने समझो 5-10 साल पहले कुछ बुरा किया है और अब वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसके अंदर वो उसको बात भूलनी नहीं देती कि मैंने कुछ किया है या फिर मेरा कुछ बुरा होगा क्योंकि मैंने उस वक्त कुछ बुरा किया था। तो अब ऐसा आपको भूतकाल में ज़रा भी उलझना नहीं है, आपको सिर्फ अपने आगे पे फोकस करना है। जो बीत गया वो बीत गया, आप इस तरह से चले कि मैंने जिसका बुरा किया है मैं उसको, उससे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, परमेश्वर से माफ़ी मांगता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती। आजकल लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, लेकिन कभी कभी पश्चाताप की वजह से भी इंसान की प्रगति नहीं हो पाती, ऐसे लोगों के मेरे सारे कह रहा हूँ चीज़ें। तो मोक्ष के लिए आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, चाहे आपने कुछ भी किया हो। कोई भी इंसान कितना भी गिर जाए, मैं सच कहता हूँ कि हिटलर जैसे अगर किसी ने लाखों भी लोगों को मारा होगा फिर भी उसके सामने उसकी प्रगति के रास्ते दिखाई देते हैं। मतलब उसको भी इन सारी चीज़ों का, अब उसको बहुत ही ज़्यादा साल लगेंगे, मुझे लगता है कि 50,000 साल भी लग सकती है इस आत्मा को ऊपर उठने के लिए, क्योंकि हर एक जन्म में एक एक चीज़ सीखना, वैसा उन सारे दुखों को भोगना जो उसने लोगों को दिए है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही वक्त लग सकता है। लेकिन ये असंभव नहीं है कि वो हमेशा के लिए गिर गए हैं नीचे। उनके भी सामने अगर रास्ते होंगे तो हम जैसे भी लोगों के सामने तो कितने रास्ते होंगे। तो आपको भूतकाल के बारे में नहीं सोचना है और आगे बढ़ना होगा। बाग में इन सारी चीज़ों से कैसे छुटा जाए, मतलब मोक्ष के लिए कौन से रास्ते कहे गए हैं, तो एक पहला रास्ता जो मैं पौराणिक ग्रंथों से हमें मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारे लिए अभी के फ़िलहाल जो प्रेजेंट काल, जो काल है या फिर जो फ़िलहाल हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें कौन सा रास्ता हमें थोड़ा सा बहुत ही आसान है वो मैं आपको कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर पुराणों की बात की जाए तो पुराणों की अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि भक्ति मार्ग, अगर भक्ति मार्ग से अगर कोई पूजा करता है या फिर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बहुत ही कम जन्मों में। कम जन्मों में मतलब 10-15 जन्म में भी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भक्ति ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है अगर आज के दौर में देखा जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ, भक्ति में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप किसी एक देवता की पूजा करें। ये एक देवता क्यों,
देखिए, कोई एक समझो एक बच्चा है और उसको हम 7 विषय दे और उसे ये कहे कि सब में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी और तब तुम अच्छे मार्क्स मिला अच्छे परसेंटेज वगैरह मिल सकते हो तुम्हें, तो वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन एक ही विषय दे और उसे कहे कि आप इन सारी चीज़ों में ही अपना ध्यान लगाना, जितना हो सके तुमसे होता है करो, तब तुम्हें एक अच्छे परसेंटेज मिल सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान हुआ। वैसा ही है ये, आपने बहुत सारे संतों को भी देखा होगा, उन्होंने ज़्यादातर मैंने बहुत बार देखा है कि एक ही देवता की पूजा करते हैं वो लोग। ऐसा क्यों? भगवद्गीता में भी उन्होंने यही कहा है श्री कृष्ण जी ने कि जिस इंसान की जिस भगवान पे श्रद्धा होती है, मैं उस श्रद्धा को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं बहुत बार लोगों को देखता हूँ कि एक ही अगर आप भगवान की पूजा करें किसी भी की, अल्लाह या श्री जीसस की, या फिर हिंदुओं के तो बहुत देवता है शंकर महादेव जी, या फिर श्री कृष्ण जी, या फिर श्री राम जी, बहुत देवता है। मैं तो यही कहूँगा कि संतों की भी आप पूजा कर सकते हो, संतों की भी बहुत लोग अपना मानते हैं, तो ऐसे लोगों की भी अगर महापुरुषों की भी हम पूजा करेंगे तो अच्छा है ये। अब मैं शंकर जी की या फिर महादेव जी की पूजा करूंगा तो वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे और मैं उनको साक्षात्कार वगैरह कर पाऊंगा, ये चीज़ें ऐसी नहीं है। ये भक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जब हम एक किसी देवता की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार उत्पन्न होता है, और जब प्यार आता है, आपको पता ही होगा कि पैर में पूरी तरह से इंसान अंधा हो जाता है, या फिर पैर में अगर वो कोई चीज़ करे तो उसको उन सारी चीज़ों का भोजन नहीं लगता। पैर के लिए मतलब समझो कोई भगवान से अगर प्यार करे तो उसके लिए कोई प्रसाद वगैरह बनाना हो तो उसको वो कष्ट ज़रा भी नहीं लगेगा, वो बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें कर सकता है। इसलिए आप किसी एक देवता की अगर पूजा करेंगे, भक्ति मार्ग से चलेंगे, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। आपने देखा होगा कि बहुत सारे संतों ने, रामकृष्ण परमहंस जी को भी कालिका माता पूरी तरह से प्रसन्न थी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से हम पूजा पाठ वगैरह करेंगे तो बहुत ही जल्द ये हो सकता है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, मतलब बहुत ही कम जन्मों में। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी होगी क्या? तो भक्ति है ही एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो सांसारिक दुख है उनका भी सामना करना ही होगा। किसी को भी सांसारिक दुख से कोई भी इस दुनिया में नहीं बच पाया है। अगर बात करें रामकृष्ण परमहंस जी की या फिर स्वामी विवेकानंद जी की, इनको भी सांसारिक कष्ट हुए थे, इन दोनों के भी शरीर में बहुत ही ज़्यादा बीमारी थी, बहुत ही ज़्यादा उनको दुख झेलने पड़े थे अपनी ज़िंदगी में। रामकृष्ण परमहंस जी को तो आखिर के समय में उनको पानी भी उनसे पिया नहीं जाता था, तो आप समझ सकते हैं कि एक पवित्र इंसान के साथ बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग क्यों श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसको अपने सांसारिक चीज़ों में जो दुख होते हैं उसका थोड़ा सा कम उसका इफेक्ट पड़ता है उसके जीवन पर या फिर उसकी भक्ति पर, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ये इतना आसान नहीं है जितना कहना, लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी भगवान को ले जाओ, आप जो आपकी श्रद्धा हो उसको ले और उस तरह से आगे बढ़े। अब भक्ति मार्ग फिलहाल के जीवन में क्यों कठिन है ये आपको मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि इस जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन भक्ति मार्ग को अगर ले तो इस जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हमें नहीं लग सकती, इसका एक कारण देता हूँ कि आजकल कोई समझो किसी इंसान को किसी परमेश्वर पर उसकी सच्ची श्रद्धा है, तो ऐसा इंसान क्या करेगा, उसकी श्रद्धा मतलब तो है सच्ची और वो बहुत ही अच्छे से भक्ति वगैरह करेगा, लेकिन सबसे बुरी चीज़ क्या होती है आजकल कि कोई भी इंसान कितना भी मतलब कहता ना ज्ञानी हो, वो अपने परिवार के लिए वगैरह परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगता है। मतलब वो यही कहेगा, वो कोई मतलब बुरी तो चीज़ नहीं है कुछ मांगना, लेकिन वो यही कहेगा कि मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी मिले, अगर उसको नौकरी मिली तो वो यही कहेगा कि उसकी अच्छी एक लड़की के साथ शादी हो, शादी के बाद वो यही कहेगा कि उसको अच्छा पोता हो पोती हो और वो कुछ खुशी रहे, उसके बाद वो ये कहेगा कि पोते की भी शादी हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मांगे हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, और ऐसे में कुछ समझो बुरा हुआ, किसी को समझो सब कुछ अच्छा हुआ लेकिन उसको पत्नी अच्छी नहीं मिली या फिर उस वजह से पूरा घर अब टूटने की कगार पर है, तो ऐसे वक्त में वो इंसान उस लड़की को तो दोष देगा ही, उस पत्नी को उसके या फिर अपने बेटे को भी दोष दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके टारगेट पर कौन होगा पता है? उसका खुद का भगवान, क्योंकि उसने अपने भगवान को कहा कि आप कुछ अच्छा करो और इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि भक्ति तो इसकी अच्छी है और ये करता भी है अच्छी तरह से अपनी भक्ति या फिर परमेश्वर पर अच्छा ये श्रद्धा तो है उसकी, लेकिन बुरा क्या हो रहा है कि इसकी कुछ मांगे हैं, इस मांगों में वो अटक जाता है। ऐसे वक्त में क्या होता है कि अगर उसके मन की कुछ खिलाफ चीज़ हुई या फिर उसके ज़िंदगी में बहुत ही समझो बुरा कुछ पल आया तो वो उस भगवान को पूरी तरह से छोड़ देता है या फिर उसकी श्रद्धा वो टूट जाती है, तो ये सबसे बुरी चीज़ होती है। लेकिन अगर महान संतों के क्या उनके जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ क्या? खुद रामकृष्ण परमहंस जी को उनके साथ कहते हैं कि कालिका माता खुद बात करती थी, तो कितने बड़े इंसान होंगे, और उनको गले का कैंसर हुआ तो उनके भी सामने दुख आया, लेकिन उन्होंने उनमें और हम में ये फ़र्क है
है कि उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं चाहा, उन्होंने कुछ भी अपेक्षा ही नहीं की कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे। बहुत कुछ ऐसे भी भक्तगण थे जो उनसे कहते थे कि आप एक बार तो कालिका माता जी को बोलो ना कि आपको ठीक करे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, मैं और कुछ नहीं मांग सकता अपनी माँ से। तो ये भक्ति की एक परिसीमा हुई। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ही कम होंगे। लेकिन भक्ति मार्ग इसलिए आज के लोगों को थोड़ा कठिन जा सकता है क्योंकि कुछ भी हो, आज मुझे भी पता है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन हमारे परिवार के लिए कुछ मांगना ही पड़ता है क्योंकि आज परिस्थितियाँ ही ऐसी है। बहुत ही मैंने बहुत अच्छे लोगों को देखा है कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है, लेकिन और वो अच्छे नौकरी भी वगैरह थे, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ परेशानियाँ नहीं आई। वो यही कहते हैं कि मैं भगवान के लिए, मतलब भगवान के दया से या फिर मेरी भक्ति से मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी जी, लेकिन अब उसके बेटे को नौकरी नहीं है या फिर उसके बेटे की कोई परेशानी चल रही है, तो हमें मतलब मांगना ही पड़ता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ अच्छा करो, और अगर कुछ अच्छा नहीं हो तो हमारी भक्ति पूरी तरह से टूट जाती है। तो इसलिए भक्ति मार्ग मुझे लगता है कि आज के दौर में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ये हमें जमा, हमें ये अगर इन सारी चीज़ों की आदत पड़ी तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते। मैं सच कहता हूं कि अगर हमें इन सारी चीज़ों से जीना होगा और इस तरह से अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो अपेक्षाओं को छोड़ ही दीजिए। फिर जीवन दिए दुखमय है, इसी तरह से अगर हम चले और इस तरह से बोले कि मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मेरी भक्ति कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मुझे चाहे कुछ भी ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है, चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख आए, इस तरह से अगर हम चले तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा हमारी आत्मा के लिए, उसके विकास के लिए। तो ये सारी भक्ति मार्ग के बारे में आपको कहा मैंने। तो ये सारी चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि एक ही चीज़ अगर आपके सामने हो तो आपका जो विकास है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जो मुसलमान लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा कि वो उनकी अच्छी श्रद्धा होती है अल्लाह पे, या फिर वो उस तरह से चले जाते हैं, उसको भी पता होता है कि अल्लाह मेरे साथ है, मैं कुछ भी हूँ, या फिर कोई भी अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो वो मुझे देख रहा है काफ़ी, और कोई भी मुझे ना देख रहा हो तो भी। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि एक श्रद्धा बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी श्रद्धा तो ज़बरदस्त है भगवान पे, लेकिन वो लोगों के साथ ही बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अगर हम लोगों को दुखाते हैं, कोई एक इंसान हमारे वजह से दुखता है, तो वो इंसान पहले बाद में रोएगा, पहले हमारे खुद के भगवान रोएंगे कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। क्योंकि अगर हम कोई पाप करते हैं तो हमें क्षमा कर देंगे और जाने दो ये मेरा है, इसलिए वो ऊपर नहीं लाएंगे। ये जो भक्ति है वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति हमारे लिए खुद के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास हमारा होना है, भगवान बहुत ही ऊपर है हमारे। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से हमें गंभीरता से लेना होगा और इस तरह से चलना होगा। पहली तो चीज़ है भक्ति मार्ग में कि आप अपेक्षाओं को पूरी तरह से जीरो कर दे, कुछ भी ना चाहिए, कुछ भी मत चाहे आप। मतलब मैं रास्ते से जा रहा हूँ कि किसी को मतलब गाड़ी पकड़नी है तो मुझे वक्त पे गाड़ी पकड़ने मिलने दे भगवान, ऐसा भी हमने नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अगर वो गाड़ी चली गई हमारी श्रद्धा वहाँ पे डगमग जाएगी। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए आप अपेक्षा ना करें। और अपेक्षा ना करके अगर भगवान की भक्ति करता है और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा नहीं करता किसी का खुद के स्वार्थ के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे मार्ग पर आराम से जा सकता है। बहुत ही कम जन्मों में सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। मैंने अभी कहा कि जुड़वा आत्माएँ होती है, उनका एक दूसरे के साथ विकास होना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस भक्ति मार्गों को हम अवलंब करें या फिर इनके जो कहते हैं ना कि इनमें जो मुख्य चीज़ें हैं अगर हम उन्हें जान लें तो हम आराम से ये सारी चीज़ें हमें जमने लगेगी और आराम से इन सारी चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। समझो अगर कोई हमारी जुड़वा भी आत्मा है तो उसको मार्गदर्शन तो मिल रहा है, इसलिए मैंने बहुत बार आपसे कहा था कि अगर कोई भी अच्छा कोई मार्गदर्शन करे आपके सामने, कोई भी हो, तो आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, ना कि मुझे ये पता है उसे हमें ये पता है मैं इसकी बात की, ऐसा नहीं है। उस इंसान में भी कुछ अच्छा तो होगा, उस अच्छी चीज़ों की तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ग्रहण करना होगा। आपके जैसे भी चलते बोलते अगर आपके सामने कोई अच्छा इंसान कुछ बोल रहा है, समझो किसी का प्रवचन चल रहा है और मैं वहाँ से जा रहा हूँ, तो उसकी अच्छी चीज़ें तो हम ग्रहण कर लग से ले सकते हैं, चाहे उसका हमें नाम पता ना हो, लेकिन कुछ अच्छा कोई कह रहा है तो उसका एक्सेप्ट करें, क्योंकि सुधारने की जो शुरुआत है वो हमसे ही होती है और जो सुधरेगा उसका ही विकास बहुत ही आगे हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उस इंसान को भी आप भूल जाए, लेकिन उस जो बोलता है उसको आप हमेशा याद रखिए, और उस तरह से अगर हम आगे बढ़े तो भक्ति मार्ग से हमारी बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपने फिलहाल की ज़िंदगी में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, मतलब हमारे रोज के जीवन में हम किस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के जीवन में जो भी मुझे महत्वपूर्ण चीज़ें लगी वो मैं आपसे कहने की कोशिश करता हूँ। तो रोज़ के जीवन में हमें क्या करना होगा, रोज़ के जीवन में मतलब जब हम सुबह उठकर हमारे काम को समझो आज का दिन हमारा शुरू हुआ, तो उसमें आप पहले तो आप मन में एक विचार पक्का करना, या फिर एक कहते हैं ना कि एक खुद से एक वादा करना कि मैं आज के दिन में
काम क्रोध और लोभ को छोड़कर जीऊंगा। मतलब मेरे ज़िंदगी में कोई भी पल आए, ये रोज़ कहना होगा। ये रोज़ क्यों कहना होगा? क्योंकि इंसान का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा भुलक्कड़ है, वो भूल जाता है। आप यही प्रण कर लेना सुबह कि मैं काम क्रोध और लोभ मेरे मन में आए ऐसी कोई भी चीज़ ना हो मेरे साथ। चलते समय कोई अच्छा चेहरा दिखे, कुछ ऐसा दिखे कि हम थोड़ा सा अपने आप को भूल रहे हैं या फिर किसी आसक्ति में पड़ रहे, तो अपने आप को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करनी ही होगी अपने अंदर से, क्योंकि जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो बहुत ही आगे जाता है। ये बात खुद यीशु क्रिस्त ने कही थी। इसके बाद क्रोध, हमें बहुत बार लगता है कि मेरे मन में क्रोध नहीं, मैं तो बहुत ही प्यारा इंसान हूँ, मैं लोगों से प्यार से बात करता हूँ, लोगों के क्रोध मुझे देखकर कम हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ महारथी होते हैं। लेकिन सिचुएशन इतनी कभी कभी संवेदनशील आ जाती है कि हमारे अंदर से वो क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, वो कैसे टपक जाता है, हमें खुद को भी नहीं पता होता। ऐसे क्रोध में हम अपने पर कभी कभी हाथ उठा देते हैं, कभी कभी हम किसी को मारते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका उस इंसान को बाद में बुरा लगता है, खुद हमें खुद कभी कभी बुरा लग जाता है। ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती है, इसलिए आप कभी भी क्रोध ना करें। और लोभ के बारे में तो क्या कहना, आज के जीवन में सबसे भस्मासुर अगर कोई है तो मुझे लगता है कि वो लोभ ही है, क्योंकि मेरा कमीशन या फिर मुझे चार पैसे मिलने चाहिए। किसी ने मुझे लाइट बिल भरने के लिए कहा तो मुझे क्या मिलेगा, तो ऑनलाइन लाइट बिल भरो, 10 रुपये के अगर कैशबैक मिलता है तो मेरे हुए 10 रुपये। क्योंकि पहले मुझे लगता है कि ऐसे लोग लोभी नहीं थे, लेकिन आजकल छोटी छोटी चीज़ों में मेरा क्या फ़ायदा होगा ऐसा हर एक इंसान सोच रहा है। बहुत ही कम इंसान होंगे जो निस्वार्थ रीति से दूसरों की मदद कर रहे होंगे। लेकिन लोभ को भी आप पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करो। जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही, लेकिन मैं खुद के स्वार्थ के लिए किसी के सामने नहीं अपनी लाल टपकाऊंगा या फिर खुद के स्वार्थ के लिए किसी का काम करने की कोशिश नहीं करूंगा। इससे अच्छा यह है कि आप उसके लिए मैं ना कर दें, कहीं मेरे पास भाई वक्त ही नहीं है इसलिए मैं नहीं करना चाहता। मतलब एक पाप से तो हम बच सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप काम क्रोध और लोभ से पूरी तरह से बचे। हर सुबह आप प्रण कर ले कि मैं काम क्रोध और लोभ मेरे मन में आए ऐसी चीज़ें मैं करूंगा ही नहीं, या फिर मेरे सामने कैसी भी सिचुएशन आए मैं काम क्रोध और लोभ को आगे नहीं जाने दूंगा। तो क्या काम क्रोध लोभ हमारे दिल में आता है और उस तरह से हम अगर बर्ताव करते हैं तो क्या हमारा विकास नहीं होगा या फिर हमारा मोक्ष नहीं हम प्राप्त कर सकते, क्या ये है? तो ऐसा नहीं है। काम क्रोध लोभ से आप ऊपर तो नहीं जा सकते, कोई भी आत्मा ऊपर नहीं जाएगी अगर उसने नहीं भी किया। लेकिन आत्मा कब ऊपर जाएगी? जब वो उस टेबल में होंगी। समझो हम कोई भी इंसान कोई चौथी लोक में है, तो अगर उसने काम क्रोध लोभ में, मैं सच कहता हूँ कि जो ज्ञानेश्वरी में लिखा है या फिर आजकल मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य जो निचले के स्तर पर जा रहा है, मतलब जो बहुत ही निचले स्तर पर जा रहे हैं, वो उसके प्रमुख कारण ये तीन ही हैं। और भी बहुत कारण है, उसका मैं बाद में हैंडल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले हम सबको इन सारी चीज़ों से, इन संगुल से हम अगर छूटे तो हम आगे जाएंगे। तो काम क्रोध लोभ को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि हम कम से कम पीछे नहीं आएंगे। आप समझ गए? मतलब अगर हम नीचे नहीं जाएंगे तो उपकार का जो रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि काम क्रोध और लोभ को हमें छोड़कर जीने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो कम से कम 95% ये चांसेस है कि वो नीचे नहीं जाएगा। और आगे अगर ऐसा जो इंसान है जो काम क्रोध लोभ उसके मन में ही नहीं आ रहा, तो ऐसे इंसान को अच्छी जो चीज़ें हैं वो ग्रहण करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अच्छी चीज़ें ग्रहण करेगा और बहुत ही आसानी से वो बहुत ही कम जन्म में, मतलब 50,000 जन्मों में भी वो बहुत ही आगे जा सकता है अगर इस तरह से बर्ताव करता है। तो पहली क्रिया ये है कि आप काम क्रोध लोभ को छोड़ दें। दूसरी क्रिया है वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? आजकल वैराग्य का कुछ अर्थ निकाला ही अलग जाता है। अगर मैं नेट पे भी वैराग्य ऐसा लिखूं और सर्च करूं तो वहाँ पे कुछ मुनियों के चित्र आ जाएंगे, मतलब सन्यासियों के या फिर बौद्ध भिक्षु के वगैरह चित्र आ जाएंगे। तो वैराग्य का आजकल मतलब यही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ देना और समाधि में लग जाना या फिर सन्यास ले जाना। तो आपके सामने एक बात मैं पूरी तरह से ज़ोर से बोलता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना ज़रा भी नहीं है। वैराग्य का जो अर्थ है वो बहुत ही अलग है। वैराग्य मतलब जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अगर देखा जाए तो एक इंसान के ज़िंदगी में काम क्रोध और लोभ का अगर जहाँ पर ज़रूरत है उस वहाँ पे उसको यूज़ करना ही होगा। क्योंकि अगर लोभ इंसान के अंदर नहीं होगा तो वो ये कहेगा कि मैं आपका काम करता हूँ, मेरे तो अंदर लोभ नहीं है, मुझे आप तनख्वाह नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब उसको तनख्वाह ना मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन उसका परिवार कैसा चलेगा? तो आप समझ सकते हैं कि लोभ भी होना चाहिए। लेकिन अगर वो ज़्यादा अगर लोभ हो या फिर अगर कहते ना कि मर्यादा के पार अगर कोई चीज़ हो, तो उसमें हमें अपने आप को वैरागी बनाना होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि वैराग्य मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर जो चीज़ जिस मात्रा में चाहिए, अगर उसके
उसकी मात्रा अगर बढ़ रही है या फिर उसकी आसक्ति बढ़ रही है तो उसका वैराग्य उसे करना होगा। मतलब वैराग्य मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। वैराग्य मतलब जो चीज़ नहीं चाहिए। ज़िंदगी जीते वक्त हमें दारू या फिर सिगरेट की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके लिए हमें वैराग्य उत्पन्न हमारे दिल में करना होगा, क्योंकि ये चीज़ महत्वपूर्ण ही नहीं है। अब कोई मैं चावल ही नहीं खाऊंगा ऐसा मैं वैराग्य तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन जीने के लिए। जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर भी हमें उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर हम उसके लिए मर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों का वैराग्य हमें होना होगा। अगर हम वैरागी बने तो इन बहुत चांसेस है कि आप आगे बढ़े। मतलब अब तक हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो काम क्रोध लोभ को एक्सेप्ट करना, उस तरह से काम क्रोध लोभ को पूरी तरह से हम नष्ट करना। एक्सेप्ट करना मतलब जितना है उतना लो और आगे बढ़ो, क्योंकि क्रोध भी कभी कभी उत्पन्न होना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबर हमारा समझो बच्चा हमसे घबराता ही नहीं है तो उस पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाना ही होगा। क्योंकि आजकल मैं सच कहता हूँ कि एक पिताजी या फिर माताजी किसी का तो डर होना चाहिए भाई, क्योंकि आजकल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे को कोई डांटता ही नहीं है, मोबाइल लेके वो धाप धाप करके गेम खेल रहे हैं, उनकी आंखें भी उससे आपको थोड़ा सा डांटना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने के बारे में सोचे, मेरे भी पास मैं थोड़ा सा भी अगर पहले लेट आता तो मुझे बहुत ही डर लगता था। आज भी मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि कोई चिल्लाएगा नहीं ना, मतलब हम लेट होता है हमारे कोई ऑफिशियल काम के वजह से, लेकिन एक थोड़ा सा डर होना चाहिए जो आज के बच्चों में मुझे नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूँ कि किसी का तो डर होना चाहिए। उसमें अगर हम किसी अपने बच्चे पर पढ़ाई करने के लिए वगैरह थोड़ा सा क्रोध दिखाने की कोशिश करें तो वो तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर क्रोध कोई बुरा सिचुएशन हमारे सामने लाती है तो वो बुरी चीज़ है। तब तक हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो काम क्रोध लोभ का पूरी तरह से त्याग करना, हमारे सामने कोई भी चीज़ आए मैं काम क्रोध और लोभ में नहीं पड़ना चाहता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा अगर आत्मा करती है तो वो निचले स्तर पर नहीं जाएगी। दूसरा है कि वैरागी बनना, इस तरह से वैराग्य को उत्पन्न अगर आप करते हो अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ों के महत्वपूर्ण नहीं है उसमें हमें वैराग्य बनना होगा और उस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत ही कम शब्दों में या फिर कहते हैं ना कि प्लेन के स्पीड से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मैंने अभी कहा कि काम क्रोध लोभ को अगर हम छोड़ दें तो 50,000 जन्मों में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये सच बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये आखिर में जो बात कह रहा हूँ वो नहीं है, मैं आजकल तो वीडियो में कह ही रहा था, स्थित प्रज्ञता विवेक और कर्तव्य, इन चीज़ों का अगर आप अंगीकार करते हो तो आप बहुत ही कम जन्म में, मतलब मेरे ख्याल से मेरे काउंटडाउन से या फिर मेरे कैलकुलेशन से मुझे लगता है कि कोई 30-32 जन्म में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अगर हर जन्म में वो इस तरह से आगे बढ़े तो। तो आप समझ सकते हैं कि काम क्रोध लोभ को पहले तो छोड़ना, दूसरा वैरागी बनना और तीसरा स्थित प्रज्ञता विवेक और कर्तव्य। तो इन गुणों का अगर कोई आत्मा अंगीकार करती है और वो आगे बढ़ती है तो उसका इतना अच्छा विकास होगा कि उसको बहुत बार क्या होता है कि हम अपने ही दम पर सारे विकास नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा इंसान है, समझो कोई एक अच्छा बॉक्सर है, तो उसको कोई अच्छा एक ट्रेनर बहुत ही खुद उसके पास आएगा कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आत्मा के साथ भी ऐसी चीज़ें होती है, कोई अच्छे मार्गदर्शक उसको मिल सकता है, वो मार्गदर्शक उससे ये कहेगा कि मैं तुम्हें जो भी चीज़ें कहने के लिए कह रहा हूँ, वो मार्गदर्शक जो होंगे वो बहुत ही बड़े लेवल के होंगे, वो मेरे जैसे तो बेवकूफ़ नहीं होंगे, लेकिन वो जो कहेंगे उससे उसका विकास बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो अगर आप बहुत ही अगर भाग रहे हो विकास के स्तर पर तो मार्गदर्शक आपको बहुत और ज़्यादा एनर्जी देंगे जिससे आप बहुत ही आगे जा सकते हो। तो मार्गदर्शक अगर हमें मार्गदर्शन करे या फिर खुद सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ ऐसे भली आत्माओं को हमारी मदद के लिए कहे कि जिससे हमारा विकास हो तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं, ऐसे केसेस देखे गए हैं। विस्पिया ऋतु ने भी हमसे यही कहा है कि कुछ ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में ऐसे मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अब मोक्ष के बाद क्या, ये भी आपके सवाल होगा। तो मोक्ष को मैं फिर से कहता हूँ कि जब आत्मा चौथे स्तर पर उसका शुरुआत होती है, अगर कुछ बुरा किया तो वो नीचे जाएगी, लेकिन नीचे की मैं अब बात नहीं करता, अगर वो इन सारे गुणों को धारण करे या फिर इस तरह से अगर आगे चले तो वो बहुत ही आगे जाएगी। मतलब वो एक एक लोक ऊपर जाएगी, 5वें, 6ठे और 7वें लोक में वो जब जाएगी तब उसकी जो जुड़े आत्माएँ हैं वो फिर से एक हो जाएंगी जो चौथे लोक में उससे विभक्त हुई थी। तो मतलब जो दो आत्माएं थी वो अब एक हो गई है और उसके बाद वो मोक्ष के बाद 7वें आयाम में जाएगी। जब वो 7वें आयाम में जाती है तो अलग क्या होता है, मतलब जो अब उसके साथ जो हो रहा था उसके बाद उसका अलग क्या होगा। जब आत्मा 7वें लोक पर जाती है तो उसको जन्म लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, समझ गए आप। मतलब आजकल जो हम पृथ्वी पर आए हैं तो हमें ज़रूरत ही है जन्म लेने की, क्योंकि हमें अपना विकास महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई आत्मा 7वें लोक के ऊपर जाएगी तो उसको जन्म लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी आत्माएँ कभी कभी पृथ्वी पर आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन करे।
समझो कोई आत्मा है उसको पृथ्वी पर बहुत ही देखकर बुरा लग रहा है कि यहाँ पे लोग कितने मतलब बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वही यही चाहेगी कि मैं उसे भगवान का कुछ पाठ पढ़ा हूँ या फिर भगवान कैसा है मैं अपने हिसाब से उससे कहूँ। तो ऐसे आत्माएँ यहाँ पर आती है, ऐसे आत्माओं को अगर आपको डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने बहुत थोड़ा सा परिश्रम किया है इस पर, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे आत्माओं को अगर हमें पहचानना होगा तो पहली तो चीज़ है कि ऐसे आत्माएँ बहुत ही एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं, वो बहुत ही मतलब सादे उनके कपड़े होंगे, बहुत ही सीधे सादे जीवन जीते होंगे, उनके पास कोई फाइट ड्रेस वगैरह तो नहीं होगा, बहुत ही आम सी ज़िंदगी, एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी काटने के लिए जो भोजन महत्वपूर्ण है वो खाएंगे, बहुत ही पैर से आपसे बात करेंगे, वो कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे। सबसे उन्होंने पहली प्रायोरिटी यही कही है कि वो इंसान जो होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो आम लोगों को समझ में ऐसे होते हैं, वो कभी भी खुद को बड़ा चढ़ाकर वगैरह नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे अगर आपके आसपास ऐसे बहुत लोग है भी, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं है, बहुत लोग है, इनको पॉपुलैरिटी की ज़रा भी टेंशन वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ अपना ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, तो बहुत लोग आज भी ऐसे देखते हैं बहुत ही मतलब मोक्ष के मैं अधिकारी हूँ वगैरह ऐसे कहते हैं और फोर व्हीलर से घूमते हैं। तो ऐसे लोगों पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा गुरमीत सिंह जैसे लोग मतलब दिखाने के कुछ दांत होते हैं अलग और कुछ करने के कुछ अलग, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी किसी के झांसे में मत आइए, और कहते हैं ना कि आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कबीर जी ने और संत रामकृष्ण परमहंस जी ने भी कहा है कि गुरु को भी हमें पराख कर लेना होगा, उसकी भी थोड़ी परीक्षा लेनी होगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में बहुत लोगों ने ऐसा धंधा ही खोल के बैठे है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन ये सच है, क्योंकि भारत में जितने संप्रदाय है मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा भारत में संप्रदाय है, आप समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छे ही होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसमें से कुछ ऐसे निकलते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हुई हमारे साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपनी सारी चीज़ों का अंगीकार करते हैं। तो मोक्ष के बाद क्या होता है, आत्मा एक नए आयाम पर चली जाती है, सातवें लोक के बाद एक नया आयाम शुरू होता है। अब उस आयाम की तो मैं बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि छठे और सातवें लोक के बारे में ही जब आत्माएं बताती है तो ये कहती है कि पृथ्वी के लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इतने सुंदर फूल होते हैं जिसका सुगंध ऐसा है कि हम बयां नहीं कर सकते। तो छठे और सातवें लोक की ये बात हुई, उसके वर्णन के बारे में उनके पास शब्द नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सातवें आयाम के बाद जो आयाम शुरू होता होगा वहाँ पे कितनी सुंदरता होगी, वहाँ पे कितनी शांति होगी, वहाँ के आत्माएं जो होती होंगी वो कितने बड़े लेवल की होंगी, कितनी बड़ी मतलब क्या बोले हम उनके बारे में। तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि आपका मेरा हम सबका आत्मा का एक ही कहते हैं ना उद्देश्य है कि हम जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करें, और इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन मोक्ष के बाद बहुत सारी आत्माएं जो होती है, मैंने अभी कहा कि वो निचले जो लोग होते हैं उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करती है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो पृथ्वी पर आएंगी और लोगों को मार्गदर्शन करेगी। सातवें आयाम के बाद कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो कोई आत्मा को चौथा लोक का वगैरह जिम्मेदारी भी दी जाती है, मतलब चौथे लोक में उन्हें आत्माओं को जो परेशानी है या फिर आत्माओं को मार्गदर्शन करना, इस तरह से वो काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बनती है आत्मा वो खुद के विकास के जो भी उसने सीखा है वो अपने आप पर नहीं रखती, सिर्फ अपने तलक अपने समय तक सीमित, वो दुनिया को भी बताने की कोशिश करती है, मतलब उसके जो ज्ञान का फ़ायदा है वो और भी आत्माओं को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है लोगों को मदद करना। लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि ऐसी आत्माएं जो होती है वो मार्गदर्शन करती है, लेकिन सच यही है कि सातवें आयाम के बाद भी एक नया आयाम शुरू होता है सातवें लोक के बाद, और वहाँ पर बहुत ही मुझे लगता है कि सुख शांति होगी, और वहाँ पर खुद भगवान भी उनको मार्गदर्शन करते होंगे, क्योंकि हम जो इस आत्मा लोक में रहते हैं स्तर जो लोक है 1 से 7 उसमें बड़ी आत्माएं मार्गदर्शन करती है। तो हम यह समझ सकते हैं या फिर हमें आशा कर सकते हैं कि सातवें लोक के बाद जो आयाम शुरू होता होगा वहाँ पे खुद भगवान उन सारे को मार्गदर्शन करते होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मोक्ष यही है कि सारी चीज़ों से मुक्त हो पाना। अब ये मुक्त हो पाना क्यों महत्वपूर्ण है, समझो कोई काम आपको दिया है तो एक ऐसा काम है कि आप खुद मन से कर रहे हो, और एक ऐसा काम है जो आपको झक मार के करना पड़ रहा है, तो उसमें कौन सी अच्छी चीज़ है, वही ना कि जो आप मन से कर रहे हो, तो वैसी ही चीज़ है ये। आजकल जो हम जीवन अपना चुनाव करते हैं या फिर जिस तरह से आगे बढ़ते हैं वो हमारी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने चुना हुआ जन्म है। बहुत आत्माएं विस्पर्तों ने खुद ने ये कहा है, मैं खुद की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत सारी आत्माओं को अच्छा नहीं लगता पृथ्वी पर आना, क्योंकि कौन चाहेगा
पड़ेगा ऐसे दुख का वगैरह सामना करना, लेकिन उनका यही कहना होता है कि अपने विकास के लिए वो इन सारी चीज़ों का चयन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी आत्माओं से, मतलब उन्होंने यही कहा है कि हम सब में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन फिर भी अपने आत्मा का विकास के लिए वो यहाँ पर आए। तो आप इस तरह से डायरेक्टली आपको पता ही चला होगा कि यहाँ पर आना मतलब हमारी एक मजबूरी ही है। तो इस वजह से हम जितना जल्दी मोक्ष को प्राप्त करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक जन्म में हमने कुछ भी नहीं सीखा, या फिर हाय मेरा दुख, या फिर मैं इस तरह से तो नहीं आगे बढ़ सकता वगैरह, ऐसे अगर हमने एक्सक्यूज वगैरह कुछ कहे तो क्या होगा कि फिर से हमें जन्म लेना ही पड़ेगा। उससे अच्छा यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल आप जैसे आपके सामने सिचुएशन है वैसे आप जीने की कोशिश करें, आप संकट का सामना करने की कोशिश करें, काम क्रोध और लोभ को पूरी तरह से अपने मन से निकाल देने की कोशिश करें, वैराग्य को स्थापन करें। वैराग्य मतलब घर वगैरह छोड़ के जाना नहीं, जो सच्चा वैराग्य पुरुष होगा ना वो घर का और अच्छे से देखभाल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे की, मेरी पत्नी की, उसको मुझे ठीक से संभालना होगा। इसलिए वैराग्य जो इंसान है वो छोड़ेगा नहीं, उल्टा इन सारी चीज़ों में और ध्यान रखेगा। लेकिन ऐसा इंसान जो कहते हैं ना कि कमल पुष्प पर जो पानी गिरता है वैसा होता है, मतलब वो संसार में होकर भी विभक्त होता है लेकिन वो किसी भी जिम्मेदारी से नहीं भागता। और तीसरा मैंने कहा कि आपसे कहा और परमेश्वर ही, मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन करने के लिए मतलब थोड़ी मुझे भी बुद्धि दे, क्योंकि मैं तो अल्प बुद्धि ही हूँ और जितना भी जानता उतने कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो परमेश्वर ही आप तक पहुँचा रहे हैं ऐसा समझिए, क्योंकि मैं ज़ीरो भी नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें बोलते वक्त मैं खुद भी सुन रहा हूँ और मैं भी इन सारी चीज़ों का अब कल से मैं भी खुद प्रण करूंगा कि काम क्रोध लोभ को छोड़ूं, या फिर वैराग्य बनने की कोशिश करूं, या फिर स्थित प्रज्ञता, या फिर कर्तव्य, या फिर विवेक को मैं अपने आप पर ले सकूं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है तो वो कोई बड़ा है, मैं तो आपसे भी बहुत ही छोटा हूं और मैं आपसे बड़ा बनने की मतलब कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सचमुच बहुत बड़े हो मेरे लिए। आप मेरे अपने हो, आप मेरे परिवार के हिस्सेदार जैसे हो, आप सिर्फ मेरे मतलब हम बस एक दूसरे को नहीं जानते और सिर्फ ऐसे ही कमेंट वगैरह बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरे लिए बहुत ही बड़े हो। तो मैं यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों का अगर हम अंगीकार करते हैं, मैं फिर से कह देता हूँ कि काम को लोभ को छोड़ना होगा, वैरागी बनना होगा। वैरागी मतलब जिन चीज़ों का अर्थ नहीं है या फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे पूरी तरह से छोड़ना होगा। और स्थित प्रज्ञता, विवेकशीलता और कर्तव्य को अगर हम धारण कर ले तो हम बहुत ही ऊँचे स्तर पर जा सकते हैं, बहुत ही कम जन्म में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं सच कहता हूँ कि मोक्ष मतलब कोई बड़ी चीज़ वगैरह है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर हम जिएंगे तो यह हमें बहुत ही आसान लग सकता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो या फिर वो अच्छे से कर्म करे तो उसको ज़रा भी टेंशन नहीं आएगी, या फिर उसको इन सारी चीज़ों करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं आएंगी, वो उसके रोज के काम ही बनते जाएगा। तो ऐसे अगर हम रोज़ का ही काम हमारे बनता गया या फिर हम काम क्रोध लोग को पूरी तरह से छोड़ दे या फिर इस तरह से जीने लगे तो हमें आदत सी पड़ जाएंगी सारी चीज़ों की। तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। और ये जो चार दुर्गुण मैंने आपको कहने की कोशिश की है, तीन गुण काम क्रोध लोभ को छोड़ना, वैराग्य या फिर स्थित प्रज्ञता, विवेक और कर्तव्य, इनको अगर हम धारण कर ले तो हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और भक्ति मार्ग की बात करें तो वो आज के दौर में मुझे थोड़ा सा कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आजकल भक्ति में हम थोड़ा सा स्वार्थी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे दिल में ही आ जाता है कि अपेक्षा है कि मुझे नहीं भगवान, लेकिन मेरे बेटे का तो कुछ अच्छा हो, मेरे परिवार का कुछ अच्छा हो। तो ऐसी चीज़ों में अगर कुछ बुरा हो तो हमारे दिल से वो सारी चीज़ें थोड़ी सी नष्ट होती है या फिर हमारी भक्ति थोड़ी कम होती है, या फिर इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि जो मैंने बाद में कहा उसके अगर पहले मतलब भक्ति मार्ग कोई भक्ति मार्ग का अवलंब करता है तो वो बहुत ही जल्द मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में इंसान बहुत ही अच्छे से अपना कर्म कर सकता है। लेकिन भक्ति मार्ग को हम धरते हैं और काम क्रोध लोभ हमारे अंदर है या फिर हम स्थित प्रज्ञता से विचार नहीं करते तो मोक्ष की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में हमें भगवान के पैर में इतना पागल हो जाना है या फिर भगवान के मतलब कहते हैं ना भक्ति में इतना लीन हो जाना है कि हमारे हाथों से कोई भी बुरा कर्म हमसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संतों ने जो किया वही भक्ति है या फिर जिस तरह से वो जिए वही भक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी मोड़ पे आपको काम क्रोध लोभ तो छोड़ना ही है, वैरागी बनना ही है और स्थित प्रज्ञता या फिर विवेकशीलता या फिर कर्तव्य को धारण करके ही आगे बढ़ना होगा और मोक्ष के यही सारे रास्ते हैं और इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। तो आज की वीडियो में अगर किसी चीज़ को, ये बहुत ही बड़ी वीडियो बनी है मुझे पता है, और जिसने भी ये सारी सुनी मैं हाथ जोड़ के आपके मतलब पैर पढ़ना चाहता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें सुनी, क्योंकि ये सारी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है और आजकल बहुत ही बात मतलब लोगों को सुनने की भी अच्छा इच्छा नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैं कहीं पर कम पड़ गया होऊंगा अगर आपने ठीक से नहीं सुनी वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि
उसमें मेरी आपकी कोई गलती है, आप सचमुच मतलब मेरे लिए आप बहुत ही बड़े हैं, मैं बहुत ही तुच्छ हूँ आपके सामने। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम इस तरह से अगर आगे बढ़े तो अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में अगर किसी एक पॉइंट को या फिर किसी बात को मैं ठीक से आप तक नहीं पहुँचा पाया हूँ, और या फिर वो आधा ही आपके आप तक पहुँचा है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। मैं इस विषय में आपके कितने भी 100 सवाल आएंगे मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मैं मतलब दिन में एक वीडियो कम बनाऊंगा, लेकिन आपके जवाब देने की इसलिए कोशिश करूंगा क्योंकि आप में मतलब आधी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इसलिए आप बिंदास कोई भी सवाल आप ज़रूर पूछें, मुझे ईमेल करें या फिर कमेंट में कुछ भी पूछें। ईमेल भी अपना मैं सामने इसलिए दे रहा हूं, मैं हाली मतलब वीडियो के नीचे कभी कभी नहीं देता, किसने मांगा तो ही देता हूं, क्योंकि मांगने के बाद मतलब अगर हम दें तो उसका थोड़ा सा अलग महत्व होता है। तो इसमें मैं आपके सामने भी दिखाई रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी अपना ईमेल दूंगा। किसी के पर्सनल कोई सवाल हो तो भी आप पूछे, और मैं सच कहता हूँ कि मैं आपको कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करूँ, मैं आपसे कुछ भी कभी भी नहीं मांगूंगा। मुझे बस आपसे यही चाहिए कि आप एक अच्छे आत्मा बनकर अपने मोक्ष को बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी से प्राप्त करें, और मुझे आपसे यही चाहिए कि आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहूँ कि मैं ईमेल करूँ आप, मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा, इसलिए उसके लिए मैं कुछ आपसे कहूँ कि मुझे ये दो वगैरह, ज़रा भी नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद देना अगर हो सके तो। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके कोई भी सवाल आप ज़रूर पूछें, मुझे अच्छा लगेगा जवाब देना, और अगर भी कोई आपके विषय हो जो अपूर्ण रहे हो तो मैं उसको ज़रूर पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट ही आए थे एक दो लोगों के कि मोक्ष पर एक वीडियो बनाई जाए, और इसकी वजह से मैंने बनाई, बहुत ही बड़ी बन गई है, मुझे लगता है कि 40 होते आए हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपने मतलब अपना वक्त दिया, और मैं यही चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों को हम सब सीख लें और एक बहुत ही अच्छे हम भगवान के मतलब दुनिया में एक अच्छा आत्मा बन के हम जाए, और एक बहुत ही अच्छे मोक्ष को प्राप्त करके हम लोगों को भी कुछ कर सके, और दुखी इस दुनिया में कोई भी ना हो, इस सपने के साथ इस वीडियो का हम समाप्त करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, हमेशा समाधि रहने की कोशिश करना आपका, ईश्वर हमेशा खुश रखे आपको। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए शुक्रिया।